ऐसे कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनके दमदार एक्टिंग के बावजूद भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, बॉलीवुड दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। हिंदी सिनेमा में हजारों एक्टर्स हैं जो एक ही भूमिका के लिए ऑडिशन देते हैं, जिसके कारण एक्टर्स के बीच कॉम्पिटिशन होता है। बॉलीवुड पर भाई भतीजावाद और राजनीति का बहुत प्रभाव है। पहले से इस इंडस्ट्री में जिस परिवार और एक्टर ने पैर जमा कर काम करना शुरू किया, ज़्यादातर फिल्में की, तो वो जम जाता है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए खुद को स्थापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद की मेहनत से इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है और सफलता हासिल की है। फिल्म इंडस्ट्री में आपके काम के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इनाम भी होते हैं। आईफा और फिल्म फेयर जैसे पुरस्कारों के लिए बड़े आयोजन होते हैं, जिनमें से फिल्म फेयर एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। यहाँ कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीता। तो चलिए इस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है धर्मेंद्र का। शोले जैसी यादगार फिल्में देने वाले बॉलीवुड के माचो मैन को कभी भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल पाया। साल 1997 में जाकर उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रमुख अभिनेताओं में से एक स्वर्गीय राजेंद्र कुमार थे, जिन्होंने धूल का फूल, मेरे महबूब, संगम जैसी सुपरहिट फिल्में की। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 4 फिल्म किराया नामांकन प्राप्त करता थे, उन्हें अपने 4 दशक लंबे करियर में कभी भी फिल्म किराया पुरस्कार नहीं दिया गया। वहीं दोस्तों, एक्टर शशि कपूर, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में 170 से भी ज़्यादा फिल्में की, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और सफल अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। लेकिन शशि कपूर को कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नहीं मिला। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। शत्रुघ्न ने अपने 4 दशकों से अधिक के करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें मेरे अपने, कालीचरण, विश्वनाथ, काला पत्थर, शान और कई अन्य फिल्मों में उनकी यादगार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। इसीलिए ये पचा पाना मुश्किल है कि शत्रुघ्न सिन्हा अब तक कभी भी किसी फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं जाते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राजीव भाटिया, जिन्हें अक्षय कुमार के नाम से जाना जाता है, वो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने कॉमेडी, एक्शन, रोमांटिक हर जॉनर की फिल्में की हैं। इन किरदारों में अपने अभिनय के लिए अक्षय को समय समय पर खूब सराहा भी गया है, लेकिन आज तक उन्हें भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। तो ये है वो लिस्ट जो कि है उन अभिनेताओं की जिन्होंने दमदार काम किया लेकिन कभी अवार्ड नहीं मिला। कैसी लगी हमारी अपडेट, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।